हम फंस गए हैं, फिर से कोशिश करनी होगी मुझे। ये अच्छा है। वाकई बहुत अच्छा है। मैंने काम से रोक दिया तुम्हें, तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। मेरे काम का मत सोचे, आज का दिन आपके नाम। क्या कोई और काम है जो आप करना चाहते हैं? हाँ है। क्या है वो? मैं रोस्टेड चिकन विंग्स खाना चाहता हूँ, वो भी सॉस के साथ। मैं चाहता हूँ हम सब वो खाएं। ठीक है, बंदोबस्त करता हूँ। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब अपना हाल देखो। ऑफिसर, मैं समझी कुछ नहीं होगा। क्या आंखों से नहीं निकली? नहीं, नहीं निकल रही। यहां से कैसे निकलेंगे अब? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे आंख खोलूं अपनी। करीब आओ, मैं देखता हूं। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं बस आराम से देखता हूं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें खोलो, कैसा लग रहा है? कुछ देर आंखें बंद करने से अच्छा महसूस हो रहा होगा। बेहतर लग रहा है पहले से। वैसे कुछ नजर भी नहीं आ रहा, अपनी आंखें कुछ देर इसी तरह बंद रखो। जब तुम बात नहीं मानती तो तुम्हारे साथ इसी तरह होता है, समझी तुम? कार भी देखो, अब तक वहीं फंसी हुई है और मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर रहा हूं। माफी चाहती हूं मैं ऑफिसर। आंखें खोलो अपनी। कैसा महसूस कर रही हो? पहले से काफी बेहतर है, जलन भी नहीं हो रही। ठीक है, मैंने सुना था कि बहती आंख बड़े बड़े मसले हल कर देती है, ये बात सच्ची निकली, सही कह रहा हूं ना मैं? अब मैं बेहतर हूं ऑफिसर, हमें यहां से चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, शाम भी होने वाली है, हमें अंकल के पास पहुंचना होगा। अदालत, आरिफ बाबा वाला सॉस बना दो। अदालत साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, जेंगर उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। ब्लड प्रेशर लो हो गया था उनका, इतना इसरार किया तब गई हैं। समझ गया। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं बना देती हूँ। भाई, आरिफ बाबा वाले सॉस खाने की फरमाइश कर रहे थे, अदालत को बनाना आता है। नसलेहान कहाँ? मार्केट से सामान लेने गई है। मैं बना सकती हूँ, अगर रेसिपी मालूम हो तो, वरना नसलेहान से पूछ लूंगी मैं। नसलेहान नहीं जानती, मैंने आरिफ बाबा को फोन किया था लेकिन वो बंद था।
भाई से वादा किया है, पूरा ना किया तो तबीयत बिगड़ सकती है। तुम्हें मालूम है क्या उसकी रेसिपी? अगर मालूम है तो बना सकती हूँ। हाँ मुझे मालूम है। तो ठीक है फिर बना लेते हैं। ठीक है। मुझे एक दो काम करने हैं, ये खत्म हो जाए फिर शुरू करते हैं। कैसा लगा? खाला को किचन में बंद करने की तरकीब कैसी लगी? हर वक्त तो यमान के साथ चिपकी रहती थी वो। कितनी बार कहूं तुमसे, उस लड़की के जरिए नहीं बल्कि यूसुफ के जरिए यमान तक पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ आपा, मुझे वो करने थे। एक बार उसे मेरे पैरों के नीचे तो आने थे, वो दोबारा डरते सर नहीं बनेगी, देख लेना। और एक दिन आएगा आप मुझ पे फखर करेंगी आपा जान। पुदीना डलेगा ना इसमें? पुदीना? पुदीना भी था, जीरा भी हो सकता है, याद नहीं। पुदीना होगा। उसमें लेमन तो यकीन डलेगा, वो मुझे याद है। ऑयल? बहुत ज्यादा नहीं डलेगा, विंग्स ऑयली होते हैं। सॉस तैयार हो गया। जरा चख के बताओ कैसा है। कैसा है? अच्छा। बिल्कुल आरिफ बाबा जैसा है, तुमने कमाल कर दिया। मैं आ सकती हूँ? सॉस को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख देना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूं मैं, डोंट वरी। तुमने फजूल में इतना लंबा रास्ता तय किया, वक्त पर दवा ना लेने की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किरास दवा साथ लेकर आई थी, मैंने खा ली है, अब मैं ठीक हूं, परेशान मत हो। दावतनामे देने अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, हम पोस्ट करेंगे। पोस्ट कर सकते हैं मगर मैं घूमता रहा, ये मेरे लिए अच्छा हुआ। बेहतर होता कि मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ता मगर ये हो गया।
किराज, तुमने सोचा होगा दवा ना लाने पर तुम्हें डांटूंगा, इसलिए तुम ले आई। इधर देखो, तुम सोच रहे हो कि अब मैं समझ गया हूं। समझ गया, सब समझ गया। तुमसे नाराज होता तो क्या वहां दावतनामा देने जाता? हाँ बेटे, तुम चाहे जो भी फैसला करो तो तुम मुझे हमेशा उसमें शामिल समझो। तुम ये सुनकर हैरान हो रहे हो ना? पता है मुझे। देखो, जो भी हुआ है इस लड़की की वजह से हुआ। इसने ही तुम्हारी शादी पर तुम्हारा साथ देने पर मुझे कायल किया है, समझे? खैर, शादी की अपनी खुशी होती है ना? हाँ, आई एम सॉरी अंकल, आपको दुख दिया। आपके ऐसे अचानक गायब होने के बाद मैं डर गया था बहुत। बेटे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहां जा सकता हूं? पता चल गया, मैंने हकीकत का पता लगा लिया। कुछ मिल गया क्या? इधर आओ। आओ, मैंने पता लगा लिया, यकीन मानो। और देखो किस बात का पता लगाया है। बेगम की अम्मी 2 दिन पहले इटली गई हैं। उनकी अकाउंट की एक्टिविटी ये रही, उन्होंने फ्लाइट का टिकट और होटल का किराया अपने क्रेडिट कार्ड से अदा किया है। तुमने वाकई पता लगा लिया, जबरदस्त इब्राहिम। जरा रुको, हमें फौरन खुश नहीं होना चाहिए। क्या पता वो अपनी बीमारी के सिलसिले में वहाँ गई हो। हमें कैसे पता चलेगा कि हॉस्पिटल गई या कहीं और? एक बीमार औरत जहाज में सफर नहीं कर सकती है भाई। यही बात है, उसने कहा था कि 10 दिन है मेरे पास। तुम ठीक कहती हो, मगर हमें वाज़े सबूत चाहिए होंगे। दोस्तों, हम इस इन्फॉर्मेशन के साथ इंस्पेक्टर ली का सामना नहीं कर सकते। मेरा मतलब, ये काफी नहीं है। ठीक कहते हो, फिर और सर्च करता हूँ। मैं भी ढूंढता रहूंगा। लगे रहो, कामयाब होगे। आपने तो डरा ही दिया था उस्मान अंकल। ये तो अच्छा हुआ कि अली ने आपको ढूंढ निकाला। आप जल्दी से ठीक हो जाएं उस्मान अंकल। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। अली, मैं अब जाना चाहूंगी। तुम्हें पता है ना, बहुत सारे काम करने हैं। बिल्कुल, अपने काम करो बेटी, जाओ। वैसे अंकल, मैंने आंटी सुल्ताना को भी कॉल करके दावत दे दी है, सोचा आपको बता देती हूँ। शुक्रिया बेटी, बहुत अच्छा किया। आप अपना ख्याल रखिएगा उस्मान अंकल।
सुल्ताना, हम अभी बैठकर तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे या गइबत कर रहे थे? ओह, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बेगम ने बताया कि तुम्हें दावत दी है, हम उसी की बात कर रहे थे। मैंने इसीलिए फोन किया है। तुम्हारी होने वाली बहू माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। देखो, उसने शादी की दावत फौरन दे दी। ये अली को देनी चाहिए थी। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, ये फर्ज भी तो अदा करना ही था ना सुल्ताना। तुम शादी में जरूर आना। हाँ हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। मैं कल से ही शादी की शॉपिंग शुरू कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, तैयारी करनी है जाहिर। क्या हुआ भाई, कोई बात हुई है या फिर तुमने उस लड़की को अभी तक कबूल नहीं किया? देखो भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे मालूम है तुम उस लड़की को पसंद नहीं करते, लेकिन वो अली को बहुत अच्छी तरह संभाल लेगी। इंशाल्लाह, यही उम्मीद है। मुझे तुम्हारी आमद का इंतजार रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। सहर मेरी जान, तुम बहुत थक गई होगी। अदालत बीमार पड़ गई है, निस्लिहान भी अभी तक नहीं आई। अदालत साहिबा के पास रहने को मैंने ही कहा था उससे। वैसे भी सारा काम हो ही गया, मदद की जरूरत नहीं पड़ी। टेबल बहुत प्यारी लग रही है। बहुत लजीज है। बहुत शुक्रिया आपका। आह, रोस्टेड विंग्स आ गए। यमान, देखो कितना लजीज खाना बनाया है सहर ने। चलो खड़े क्यों, बैठ जाओ जल्दी से। देखो खाने को इंतजार नहीं करवाते। यूसुफ, देना अपनी प्लेट जरा मुझे। काफी है? जी। यमान, बहुत लजीज बना है, यकीन करो इतना लजीज खाना आज से पहले नहीं खाया। चखो जरा और बताओ कि बना कैसा है। अच्छा लगा ना, बताओ। मुझे खुशी है कि तुम आ गई सहर। तुम दोनों मिलकर यूसुफ की देखभाल और कुकिंग कर रहे हो। यूसुफ भी खुश रहता है बहुत। इतना खुश मैंने इसे कभी नहीं देखा। हत्ता के यमान भी बहुत खुश है तुम्हारे आने से। है ना इकबाल? क्या आपने विंग्स ट्राई किए भाई? हां, खा रहा हूं। देखता हूं कि आरिफ बाबा जैसे है कि नहीं। यमान, ये विंग्स तो आरिफ बाबा के विंग्स से भी ज्यादा जायकेदार है। तुम बताओ यूसुफ, अच्छे है ना विंग्स? बहुत अच्छा है। खाओ खाओ। बताओ यमान, बहुत अच्छे बने हैं ना? हाँ, बिल्कुल, विंग्स अच्छे बने हैं। असल में जब मैं पहली मर्तबा बना रही थी तो थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ दोबारा बना लिया मैंने सॉस। हो सकता है ये वाला आपको बेहतर लगे। बहुत अच्छी है सर, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सुपर है, सुपर सुपर। बेगम जाते हुए अपना फोन यहीं भूल गई। कोई बहुत अहम कॉल ना हो।
ऑफिसर शावर ले रहा है। कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही बेटी? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, क्या तुम मुझे सुन नहीं रही? हेलो, मैं बेटी, मैं तुम्हारे लिए पोर्सलिन का डिनर सेट लेकर आई हूँ। मेरा सूटकेस तुम्हारी शादी के तारीफ से भरा हुआ है। देखो बेटा, कौन जाने मेरा इटली अब कब आना होगा। मुझे यहाँ जो कुछ समझ आया मैंने खरीद लिया। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, एकदम से तुम आ गई मेरे सामने। क्या कर दिया, ये शर्ट मैंने इटली से ली थी। जुहाल मुझे माफ कर दो, मैं जैसे ही बाहर जाऊंगी नहीं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। तुम अपनी 5 तनख्वाहों को जोड़कर भी ये ड्रेस नहीं खरीद सकोगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इंसान बाजों का नहीं जान पाता कि वो किन लोगों के साथ रहता है, वरना वो पूरी एहतियात के साथ काम करते हुए फासला रखे। जुहाल, हाथ में रहो अपनी। बात करते हुए मोहतात रहो। मैं तो कहना चाहती थी, तुम आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं करोगी, समझ गई तुम? बहुत बुरा हो गया, मेरी वजह से बदमजगी हो गई, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम्हें नहीं चीखना चाहिए था उस पर। मैं अपना दिफा खुद कर सकती हूँ। तो फिर क्यों नहीं किया तुमने? वो तुम्हें इतना कुछ सुनाने के बाद यहां से चली भी गई। तुम दोनों का बराबर का कसूर है। मैं कैसे? तुम्हारा रवैया मेहमान जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक मुलाजिमा जैसा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कैसी लापरवाही है? मैं एक कमजोर किरदार की औरत के हाथ में अपने भतीजे को बिल्कुल नहीं सौंप सकता, याद रखना ये बात। तुम तो इसमें सिर्फ सुहाल ही नहीं, तुम भी बराबर की कसूरवार हो। अम्मी की कॉल आई थी। मैंने
अटेंड कर ली कि कहीं अर्जेंट ना हो। मैंने सोचा कि उनकी सेहत खराब ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। मेरी अम्मी की क्या उन्होंने कुछ कहा? वो इटली में हैं। उन्होंने आप लोगों के लिए तोहफे लिए हैं। अच्छा, तुमने अली को कुछ बताया है? अच्छा किराज, क्या मैं तुमसे लॉन में 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आओ चले, चलो। तुम एक औरत हो, मुझे समझ सकती हो। प्लीज वादा करो मुझसे, तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। किराज, किराज मुझे ये मजबूरन करना पड़ा। मैं अली को खोने से डरती हूँ, इसीलिए किया मैंने ये। मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी। कुछ तो बोलो किराज। मगर पहले से मंगनी हो चुकी है, आपने ऐसी हरकत क्यों की? क्योंकि मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। जब मैंने अली को किसी औरत के साथ देखा तो मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए करना पड़ा। मैं जानती हूँ कि मैंने अली के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं क्या करती, मजबूर थी मैं। तुम मेरी मदद करोगी या फिर मेरी मदद नहीं करोगी? लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। किराज, क्या तुम मेरी मदद करोगी? आपको ऑफिसर को सच्चाई बतानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं ये बात कब तक छुपा सकती हूँ अली से? शादी के बाद पहला काम यही करूंगी कि उसे सच बताऊंगी। मगर मैं ये राज नहीं रख सकती, मुझ पर बहुत बड़ा बोझ होगा। आप मुझे गुनाह करने पर उकसा रही हैं। आपको ऑफिसर से बात करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बता सकती उसे। अगर उसे बता दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं अली को जानती हूँ, वो दोबारा मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। वो दूसरी औरत के पास जाता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑफिसर,
वो अपनी मंगेतर छोड़ के किसी के पास नहीं जाएगा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। किराज, किराज, अगर तुमने अली को बताया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। कसम खाती हूं कि मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं जिसे चाहती हूं उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं बिना सोचे अपने आप को मार लूंगी। किरास, किरास, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूं, उसे तुम कुछ नहीं बताओगी, प्लीज। मैं सच कह रही हूं, मैं अपनी जान ले लूंगी और मेरी जान लेने का गुनाह तुम्हारे सर पे आएगा। किरास, किरास कहां हो तुम? नफरत हो रही है मुझे आपा, उस घटिया लड़की से नफरत हो रही है मुझे। उसकी ये हरकतें देख के मेरा दिमाग घूम रहा है। उस शहर की वजह से यमान को मुझ पर चिल्लाने का मौका मिला। यमान ने उसके सामने डांटा मुझे। इसकी हकदार नहीं थी मैं, फिर भी मुझ पर चिल्लाया वो। हकदार थी जुहाल। क्या तुम यमान को बिल्कुल नहीं जानती? नाइंसाफी और ज्यादती को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। तुम क्या सोच रही थी कि इस पर वो तुम्हारी तारीफ करेगा? हाँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। यूसुफ और जिया के साथ क्या तुमने उसका रवैया देखा नहीं है? और उस खाला के साथ भी तो देखा है ना। खतरे की घंटी देखो किसी भी वक्त बज सकती है जुहाल। अगर अकल इस्तेमाल नहीं करोगी तो हर बार मुंह के बल गिरोगी। अभी जाकर यमान से एक्सक्यूज करो। बिल्कुल नहीं। इसी वक्त जाओगी, तुम सुन रही हो, बहुत जरूरी है, वरना तुम नुकसान उठाओगी। वो तो बाज आएगी नहीं, इसी तरह यमान के पहलू में हर वक्त घूमती रहेगी और तुम बैठी देखती रहना। आके मर्जी तुम्हारी है। ये नाइट सूट खुद पहना है क्या तुमने? हाँ, देखिए मैंने दांत भी साफ किए हैं। वाह क्या बात है, मोती की तरह चमक रहे हैं। खाला, आप रो रही थी ना? नहीं तो, मैं थोड़ी रोई। फिर आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? मैं प्याज काट रही थी, मेरी जान इस वजह से। दोबारा खाने में प्याज मत डालना। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपकी आंखें रोती हुई लगती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी जान, आंसू कोई बुरी चीज थोड़ी है। कभी कभार रोना अच्छा होता है, इंसान को सुकून मिलता है। यूं उदासी, तकलीफ और चाहे जो भी हो, आंसू में बह जाता है। मैं गिरता हूं तो चोट लगती है और रोने से दर्द चला जाता है। ऐसा ही है मेरी जान। चलो अब सो जाओ। शब खैर मेरी जान, सुबह मिलते हैं। खाला, मुझे अम्मी याद आती हैं। मैं रोजाना उनको याद करके रोता हूँ। उनकी बहुत याद आती है। देखो, अगली बार अगर अम्मी को याद करके रोने का दिल करे ना, तो मुझे बुलाना, हम मिलकर रोएंगे।
इस तरह कोई उदासी नहीं तंग करेगी तुम्हें। ठीक है, चलो मेरी जान, तुम मत सोचो इन बातों को, सो जा। गुड नाइट कहने आया हूं मेरे चैप। अंकल, हाला रोई थी क्या? उन्होंने मुझसे झूठ बोला, वो सच्ची मुझ रो रही थी। चलो बातें ना करो और सो जाओ, देर हो गई है, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। गुड नाइट अंकल। सर को सच्चाई बतानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं ये बात कब तक छुपा सकती हूँ अली से? शादी के बाद पहला काम यही करूंगी कि उसे सच बताऊंगी। मगर मैं ये राज नहीं रख सकती, मुझ पर बहुत बड़ा बोझ होगा। आप मुझे गुनाह करने पर उकसा रही हैं, आपको ऑफिसर से बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, उसे तुम कुछ नहीं बताओगी, प्लीज। और मेरी जान लेने का गुनाह तुम्हारे सर पे आएगा। नहीं नहीं, तुम कहो क्या बात है। मुबारक हो दोस्त। शुक्रिया मेरे दोस्त। यकीन करो मेरा बहुत दिल है कि मैं तुम्हारी शादी अटेंड करूं, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। मैं बहुत ही ज्यादा माजरत खा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। काश के तुमने मुझे पहले बताया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने खुद अभी तक शादी के बारे में ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है, मगर फिर भी कर रहा हूँ शादी। मेरे दोस्त, तुम अपने साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। क्यों? शादी करना अच्छा है, मेरी जिंदगी तरतीब में आ जाएगी। यानी तुम मुझे मशवरा दे रहे हो? मेरा मशवरा है कि तुम भी शादी कर लो। जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ उम्र गुजारना चाहो, तब तुम शादी कर लेना।